हेलो फार्मार बंधुरा, वेलकम टू आवर चैनल आनंद फार्मिंग। नमस्कार मेरे फार्मर भाइयों, कैसे हो आप लोग? आज ये जो देख रहे हो ना, 13 दिन के चिक्स है मेरा, और देख पा रहे हो सारे ऑटो ड्रिंकर फीडर वगैरह सब कुछ लगा लिए मैंने। अभी तो सर कोई दिक्कत है नहीं, कोई प्रॉब्लम आए नहीं, तो कोई मेडिसिन वगैरह भी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि मैं बता पाऊँ ये दिक्कत आ रही है तो ये मेडिसिन यूज़ करो। अभी इसी फ़िलहाल यही दिक्कत है सर, बहुत ठंड है इधर, रात को ना 9 डिग्री 10 डिग्री नम हो जाता है टेम्परेचर, इसीलिए देखिए ना सुबह तक मतलब दोपहर, अभी के दोपहर का टाइम है, अभी भी पर्दा डाला हुआ है, एक तरफ खुला हुआ है और एक तरफ डाला हुआ है। ये क्योंकि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, बहुत सारे फार्मर भाइयों को मैसेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो कि भाई विंटर में पर्दे को कैसे रखे। देखो भाई, अगर मेरे सोच से चलोगे तो पूरा ही डाल के रख दो, या फिर यह ना ऊपर की तरफ से थोड़ा नीचे कर देना, मतलब ऊपर खुला छोड़ देना अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो, वो भी बढ़िया है। बट इसमें भी मेरा कोई, मैं तो हमेशा ही ऐसा ही करता हूँ कि पूरा डाल के रख दो भाई, ज़्यादा टाइम नहीं देता मैं। बाकी सब सर अभी तो ठीक ही है, कुछ मोर्टेलिटी वगैरह भी बस सब ठीक ही है, ग्रोथ भी अभी तक ठीक ही आ रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। और आप लोगों को अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो कमेंट करो मेरे को, मैं बताऊंगा ना उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। ठंड से सब देखो ना सिकर के बैठा हुआ है, पानी वानी सब पी तो रहा है, सब ठीक, ठंड बहुत है। और इस ठंड में अगर 20 दिन तक सर्वाइव कर जाओ ना किसी भी तरह, तो भाई ग्रोथ भी बढ़िया आता है, कुछ ग्रोथ प्रोमोटर का यूज़ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ दही मिला देना सिर्फ। मेरा तो एक ही ग्रोथ प्रोमोटर है जो हर वक्त मैं मैक्सिमम वीडियो में बोलता रहता हूँ, भाई दही पिलाओ। वो अभी खल लिया, उसमें अभी छोड़ा नहीं है हमने, क्योंकि और भी एक फार्म है मेरा 3000 चीक्स है, पहले भी बताया होगा मैंने। बाकी तो सब भाई ठीक ही है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या फिर कोई इशू आ रही है ना फार्म पे, तो मेरे को कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के, है ना। और पर्दे वगैरह देख लो, पूरा डाला हुआ है, दोपहर का टाइम भी डाला हुआ है। ये कोई सुबह का वीडियो नहीं, दोपहर का वीडियो है, देखो बाहर बहुत सारे धूप है फिर भी, क्योंकि हवा चल रही है बहुत ज़ोर से। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, बताना सर ये दोनों तरफ का पर्दा अगर उठा दूंगा ना तो क्या होगा, बहुत ज़ोर से हवा चल रही है उसमें मुर्गी को ना सीआरडी आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, और इस ठंड इतना ठंडी है कि वो सिकर के बैठ जाएगा एक जगह, ना तो पानी पिएगा ना खाना खाएगा, एक भी दाना नहीं खाएगा, तो ग्रोथ कैसे आएगा भाई। और अभी फ़िलहाल में लीटर वगैरह सब ठीक ही है, बेट्स भी ठीक ही कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, चलो बाय, टाटा।